साथियों मैं गल कर लगा पंजाब तो चुने जिहड़े पंज नवे राजसभा मैंबर आ उन्हां दी मैं उड़ीकदा सीगा कि 92 MLA दे विचों किसे दा इनकलाब जागूगा जिहड़ा वोटां पैण तों पहलां ते सरकार बनन तों पहलां सीगा उन्हां दे अंदर। मैं सोचदा सीगा कि किसे अंदरला शहीदे आजम सार भगत सिंह जागेगा जिहदा नाम लै लै के जिहदियां सौहां खा खा के तुहाडी सरकार जिहड़ी होण दे विच आई आ। पर बदकिस्मती है तुसी सब ने भगत सिंह दी उह हालत कर दित्ती कि उहदा इनकलाब केवल अज बुत्तां दे विच किताबां दे विच ते भाषणां दे विच ही नज़र आउंदा किसे इंसान दे अंदर उहदा जिहड़ा जज्बा नज़र ही नहीं आ रहा। मैं जे दो लैणा कह लवां कि समें दी लोड़ है जां समें दे अनुसार बैठा है इत्थे हर आदमी विकण लई तैयार बैठा है हर इंसान है घर भोगणी दा आदी केवल शहीद भगत सिंह ही अज भी चौंक दे विचकार बैठा है। 91 दा ते मैनूं पता नहीं पर एक तो मैनू बहुत ज़्यादा आस सीगी कि जे वह अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लानन लई अड़ सकता सीगा तो फिर वो पंजाब दे हक बचाउण लई भी पंजाब लई लड़ सकता सीगा। सार भगवंत सिंह मान जी कि वाकया ही शहीद भगत सिंह दे जिहड़े सुपने पूरे करने सीगे ते जां सिर्फ टीचा जिहड़ा वह मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना सीगा जिहड़ी कर ली आ। शहीद भगत सिंह तां देश दे हक्कां लई लड़दा लड़दा अपनी जान वार गया ते तुसीं वह हक उन्हां लोकां दी झोली विच पा दित्ते जिन्हां दा शहीद भगत सिंह दी सोच दे नाल कोई थौ वास्ता वी नहींगा। शहीद भगत सिंह दी जन्म तरीक याद रखण नालों उहदी सोच जिहड़ी याद रखणी उह ज़्यादा जरूरी है उहदी सोच दे उत्ते पहरा देना उह ज़्यादा जरूरी है। शहीद भगत सिंह दी सोच तो यह सीगी कि उहने लाहौर दे खालसा हाई स्कूल दे विच जिन्ना क मैं पढ़िया मैं तुहाडे जिन्ना ज्ञान नहीं हासिल किया पर जिन्ना क गायब गाए मैं पढ़ता रहिंदा ते इन्ना क मैं पढ़िया कि शहीद भगत सिंह दी सोच तो यह सीगी उन्हें लाहौर के खालसा हाई स्कूल दे विच दाखला लैणो ही ना कर दित्ती सी क्योंकि उह स्कूल दे अधिकारियां दी जिहड़ी वफादारी सीगी उह बाहरी व्यक्तियां ते अंग्रेज़ां दे प्रति सी इहदे बदले उन्हें DAV हाई स्कूल दे विच दाखला लिया सीगा जिन्नू अंग्रेज़ उस वेले राज विरोधी सरगर्मियां दी नर्सरी कहिंदे सीगे इह उहदी सोच सीगी ते तुसी पंजाब दे हक जिहड़े बाहर देण लग्गिआं सिर ही सुट लिया अपना सिर ही थल्ले कर लिया। तुसी जे तुहानू CM एलानण लई ऑनलाइन वोटिंग हो सकती सी फिर पंजाब दे पंज राजसभा मैंबर जिहड़े चुण लई उहनां लई वोटिंग क्यों नहीं कराई गई इस ते वी लोकां दी राय लैणी बहुत ज़्यादा जरूरी सीगी। एक गल ते मान साहब मैं मानदा कि जिहड़े पंज मैंबर तुसी चुणे आ उह चुणे संविधान दे अनुसार ने। संविधान साडा कहिंदा कि देश दे किसे वी व्यक्ति नूं देश दे किसे कोने चों वी देश दा वोटर बंदा होणा चाहीदा वा उन्हों राजसभा का मैंबर जिहड़ा चुनिया जा सकता वा। संविधान की जिहड़ी तुसी सहु खाधी सी उहनूं पूरी ठीक निभाया वो सहु तुसी ठीक ठाक निभाई आ पर जिहड़ी सहु तुसी खटकड़ कलां दे विच खाधी सी पंजाब दे हक बचाउण लई एडा ताम झाम किया 3-4 लाख उत्थे बंदा इकट्ठा किया अथाह जिहड़ा खर्चा किया गया सीगा वो सहु खाधी सी पंजाब दे हक्कां दी राखी वो राखी करन लई और पंजाब दे हक्कां दी लड़न लई ओ शहीद की धरती ते खाधी सौं ते तुहाडी टुट गई। भगवंत सहमत नूं एक गल कहूंगा ओ सौं अज उह पूरी हुंदी किते नज़र नहीं आउंदी कि आपां नूं कुर्सी जाण दा डर सताउण लग पिया वा जां सुख सहूलतां दे प्रति आपां इन्ने ज़्यादा मोहित हो गए हां भी इन्हां नूं छड्डणा ही नहीं चाहुंदे सानूं डर सताउंदा रहिंदा भी कुर्सी तों ला दूगा कोई। भगत सिंह 20 साल की उम्र दे विच घरों इस करके भज गया सीगा भी उहदा विआह करन नूं फिरदे सी घर वाले और जांदा जांदा वो एक चिट्ठी लिख के गया सीगा उहदे विच उह लिखदा कि मेरे जीवन का सब तो उत्तम जिहड़ा कारण आ वो देश की आजादी है ते कोई भी आराम जां दुनियावी इच्छा मैनू लुभा नहीं सकती ये उहदी सोच सीगी। ते फिर की कुर्सी का एडा जिहड़ा लालच आ तुहाडे उत्ते ते भगत सिंह की सोच दे उत्ते हावी हो गया कि आपां 10 दिनां दे विच अखां भी बंद कर लिया ते मूँह भी बंद कर लिया भी जो हुंदा पंजाब दे विच होण दो। सौ शहीद भगत सिंह दी जां पंजाब दी वफादारी दी खाधी सी कि दिल्ली वालियां दी वफादारी दी खाधी सीगी ये लोग तुहानूं सवाल जिहड़े ओह गाए बगाए हुण करदे रहणगे अजे भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया अगों पंजाब दे होण वाले नुकसान नूं बचाओ कुर्सी आउंदी जांदी रहणी है लोकां दे दिलां दे विच जिहड़ी जगह वा ओह स्थाई बना के रखो फिर भगत सिंह वांग लोग तुहाडे तुर जाण तों बाद वी तुहानूं याद करदे रहणगे और याद रखणगे। जे उह वी कुर्सी दा लालच करदा शहीद भगत सिंह फिर इन्नी इज्जत ना कमाउंदा ये याद रखो मान साहब कि भगत सिंह एक ही सीगी प्रधानमंत्री ते मुख्यमंत्री कई आए ते कई तुर गए लोग उन्हां नूं इन्नी इज्जत नहीं दिंदे ते जे अज पंजाब प्रति तुहाडा रवैया इहो ही रहा ते याद रखियो लोग तुहानूं दिलां दे विचों वी ला देणगे ते लोग तुहानूं गद्दी तों लाउण लग्गिआं वी टाइम नहीं लाउणगे क्योंकि झूठ ते जिहड़ा विखावा वा ना उह बहुती देर नहीं चलदा। किसे स्याणे ने बड़ा वधिया लिखिआ और तुहाडे ते अजकल ढुकदा
कि पानी दे चढ़े बिना सलाब नहीं हुंदे, मिट्टी च डुबे बिना गुलाब नहीं हुंदे। शहीद भगत सिंह दी तरह सूली ते चढ़ना पैंदा है, केवल पीलियां पग्गां बनन नाल इनकलाब नहीं हुंदे। सो देखदे आ कि भगत सिंह दीआं बातां सुणाउण वाले दे अंदर शहीद भगत सिंह कदों जागदा वा, किन्ना टाइम लगेगा उहनूं दुबारा जागण लई। मैं तुहानूं याद कराउण लगा, हुण थोड़ियां थोड़ियां गल्लां नाले नाल कराउंदे रहांगे। अजे बड़ा लम्मा समां तुसीं तुहाडी पार्टी ने राज करना वा कि जदों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे अधिकारी जिहड़े आ पहलां पिछले महीनिआं दे विच बाहरों ला दित्ते गए सीगे, तुसीं वी ते विरोधी पार्टियां ने भी बड़ा रौला पाया सीगा, बड़ी आवाज चुकी सीगी कि पंजाब दे हक खोए जा रहे आ। ते हुणे पंज राज सभा मैंबर दिल्ली तो थोप दिते गए अपनी मर्जी दे अनुसार, अपनी आवाज भी नहीं निकली। तो मैं तुहाडे बारे ये गल्लां जरूर कहूँगा। चार लैणा किसे शायर ने बड़ियां वधिया लिखियां ने कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। किवें चलाकी दे नाल पंज जिहड़े राज्यसभा मैंबर चुने गए और अखीरले दिन उन्हां दे नॉमीनेशन जिहड़े पेपर है फाइल किए गए कि लोगों नूं उन्हां दा विरोध करन दा टाइम ही ना मिल सके, लोगों नूं इन्नी सोझ ही ना आवे। तो किवें ये लोग तुसी समझदे हो भी लोग इन्हां सारियां चीज़ां नूं समझदे आ, तुसी कोई बहुते चलाक नहीं, कि किवें आप दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा मैंबरां दे पेपर फाइल करन तो एक दिन पहला MLA नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस राही दबका मारिया, सही काम करन दे नां दे उत्ते भी काम वधिया करियो, दिल्ली वांग करियो। पर असल च मकसद यह सीगा कि इन्हां राज्यसभा मैंबरां दा विरोध ना होवे, उन्हां नूं दबके दबके च कहा जांदा उह तुहाडियां टिकटां भी बदल सकदियां, मंत्री भी लथ सकदे हो। असली जिहड़ा निशाना सीगा उह इत्थे लाउणा सीगा। और उस तो बाद जदों ना पेश किए गए तो इन्हां बहानियां दे विचों कुसकिया भी कोई नहीं, क्योंकि पहले दिन ही उन्हां नूं गल्लां गल्लां च दबके वज चुके सीगे कि जो होना दिल्ली तो होना वा। इत्थे मैं एक गल दस दवां, मैं अक्सर ही कहिंदा ना कि साडे कोल किसी नूं चुणन दा अधिकार है, तुसीं भी सुण लो ते लोक भी सुण लैण, लाउण दा अधिकार साडे कोल नहीं हैगा। पंज साल लोगों नूं झलणा पैंदा, भावें उह गलत होवे ते भावें उह ठीक होवे। पर तुसीं एक गल याद रखियो भगवंत ते केजरीवाल जी, पब्लिक कर कुछ नहीं सकती पर दिल ते नोट कर लैंदी आ, ते जदों पब्लिक दे दिल नूं ठेस वजदी आ ना ते फिर इहो जिहा बदलाव आउंदा जिवें इह बदलाव आया वा। पब्लिक दी याददाश्त कमजोर दा भुलेखा बादलां नूं ते कांग्रसियां नूं भी सी, पब्लिक दे लास्ट च कम करो ते याद रखदे आ। सो इह भुलेखा किते तुसीं वी ना पा लिओ, लोक तुहानूं मूंह दे मूंह सुट देणगे। सो जनता दीआं भावनावां दा ख्याल रखो, उहनां दा इह हाल ना करो कि उहनां लोकां ने तुहानूं कुर्सी दित्ती आ ते हुण जनता दीआं भावनावां दी कोई कदर ही नहीं। कि जिवें वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। लोगों को छोड़ के आज तुहानू दिल्ली वाले नजर आते और जबरदस्ती के फैसले जिहड़े तुसी इन्हां दे उत्ते थोप रहे हो, इन्हां चीज़ों तो तुहानू ग्रेज करना चाहिए। मैं सारे MLA नू कहना चाहुंदा, भावें दिल्ली तो डिकटेट होवो, भावें दिल्ली तो हदायतां लवो, दिल्ली की तर्ज दे उत्ते काम करो, जो दिल्ली वाले तुहानू कहिंदे आ करो, पर जिथे पंजाब दे हक्कां दी गल आ उहदे उत्ते पहरा दिओ, उहनां लई लड़ो। और दिल्ली वालियां नूं भी चाहीदा कि पंजाब ने तुहानूं इह सत्ता दित्ती आ जिहड़ी पूर्ण सत्ता तुहानूं मिली है, और पंजाब दे हक ना मारो। और मैं MLA नूं कहिंदा, गूंगे ते अन्ने ना बणो, गूंगे अन्ने बोले आपां सारा कुछ ही बण गए आ, किसे दे खिलाफ को बोल ही नहीं रहे। जो मर्जी तुहाडे उत्ते एड्डी वड्डी मजोरिटी आई है इहदा हंकार ना करो। हुण मैं सार भगवंत सिंह होणां नूं पुछदा कि पंज मैंबर राज सभा लई पंजाब तों चुणे गए आ, पांच मैंबरां दे विच किसी एक मैंबर की कोई एक स्टेटमेंट कोई एक एक्टिविटी दिखा दिओ जिहदे चों पंजाब लई खड़िया ते पंजाब लई लड़िया होवे, समेत सरदार हरभजन सिंह दे। सगों एक मैंबर ते बहुत उल्ट बोलदा रहा तुहाडा राघव चड्ढा जदों पराली वाला मसला सीगा हरभजन सिंह। मैं तुहानूं कह रहा कि एक बंदा हरभजन सिंह ने खेडिया वधिया वा, चलो उहदी मतलब मैं इह सोच सकदे आ कि साडे सूबे दा वधिया प्लेयर आ, पर तुसीं उहनूं चुणिया क्यों। मैं इत्थे वी इह गल साफ कर दवां कि एक पग वाला बंदा तुहानूं बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए सीगा लोगों दी अखां च घट्टा पाउण नूं, क्योंकि इस सूबे च इस देश च बंदे दी काबलीयत नालों उहदी जात पात ते धर्म जिहड़ा उह बहुत ज़्यादा हावी आ साडी सियासत दे उत्ते, साडे लोकां दी मानसिकता दे उत्ते। हरभजन सिंह नूं वी मैं कहना चाहुंदा कि राज सभा दे विच उह इक प्राइम पोस्ट आ जिहड़ी लोकां नूं मिलदी आ, लोक मर जांदे उह कुर्सी लैण लई, उत्थों तक पहुंचण लई लोकां दीआं मतलब उम्र लंघ जांदी आ,
तेरे कोल एडा वड्डा सन्मान ते अहुदा लैण लई उहदा सर्टिफिकेट लैण लई भी टाइम नहीं सीगा ते पंजाब दे हक्कां लई तुसीं टाइम कित्थों कढोगे पंजाब लई तुसीं कित्थों लड़ोगे अज तक भी तुसीं खेड्या वधिया मैं तुहाडी कदर करदा पर पंजाब दे हक्कां लई तुसीं कदी नहीं बोले चाहे पंजाब दा कोई भी मसला होवे सो इन्हां चीज़ां दे उत्ते धोखा ना करो तुहाडे वल्लों भी बहुती कोई आस नहीं हैगी हरभजन सिंह वल्लों भी की उत्थे जी सेंटर गौरमेंट है वो खिलाफ़ बोल सकता आ जा इन्हां दी जिहड़ी आइडियोलॉजी आ जा आप वालियां दी इहदे विरोधों किते जा सकदा वा मैं आप वालियां नूं भी कहूँगा कि दो वड्डे व्यापारी घराणियां नूं राज्यसभा मैंबर नवाज के तुसीं मोदी दे उत्ते अडानी अंबानी नाल यारी का बारे जिहड़े सवाल करन दा अपना हक ही गवा लिया ये तो उह गल होई भी लोगों नूं तुसीं समझाउंदे रहे हो कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है ये नसीहतां लोगों नूं देण वेले बड़ियां चंगियां लगदियां सीगियां ते आपां अज उहनां दे उत्ते बोलण दा हक ही नहीं रखदे सो ये हक गवाओ ना पंजाब दे प्रति जिहड़ी तुहाडी सुहिरदता वा जिहड़ी वफादारी उहनूं कायम रखो लोगों च ते वी खुंड चर्चा वा कि दोवें व्यापारियां कोलों पार्टी फंड दे नां दे उत्ते मोटी रकम जिहड़ी वसूल कीती गई आ होर ना ते इहनां दा कोई पार्टी दे विच कोई योगदान सीगा ते ना इहनां दा कोई पंजाब दी लड़ाई दे विच योगदान सीगा तुसी करप्शन फ्री एक नंबर जिहड़ा जारी कीता करप्शन दी नींह ते इत्थों ही रखी गई यार मतलब पैसे लैके तुसी किसे नूं राज्यसभा मैंबर बना रहे हो सारे पंजाब च तुहाडी इह चर्चा चलदी रही इहदा मतलब ते होया कि छोटी छोटी करप्शन बंद करोगे और वड्डे जिहड़े गफ्फे ने वड्डी जिहड़ी करप्शन आ चाहे वह पार्टी फंड दे रूप च है चाहे वह किसे तरीके भी है उहनूं पूरी मानता दित्ती जाऊगी मैं भगवंत सिंह होणां नूं कहना कि अपने दिल ते हथ रख के दस दिओ कि इन्हां पंजां विचों एक भी पंजाब की दुर्दशा समझदा होवे पंजाब दे हक्कां लई संसद दे विच लड़ सकदा होवे कदी शीशे सामने आप ही इस सवाल का जवाब ले लियो सो मेरी बेनती है तुहानू जो हो गया सो हो गया बीतिया और हाथ नहीं आ सकदा लथ नहीं सकदे वो नॉमीनेट हो चुके ने बल्कि अगों अपने अंदर इनकलाब वाले कीड़े जगाओ जिहड़े तुसीं आंदे सी कि असीं उह भमकड़े आ जिहड़े वड्डा बालण वेख के मचदे आ ते हुण दिल्ली वाला वड्डा बालण वेख के तुहाडी आवाज़ क्यों बंद हो गई हुण उह भमकड़ां दा जनून क्यों मर गया अपने अंदर जिहड़ी मुख्यमंत्री वाली फीलिंग आ उहनूं बाहर कढो पंजाब दे चौकीदार होण दा अहसास करो ते ए मिठी कैद आ जिहड़ी तुहानूं मिल रही आ भगवंत सिंह इहदे तों बाहर आओ लोकां च इह गल फैल रही है कि दिल्लियों तुहानूं कह दिता गया कि साडी मर्जी नाल चलोगे ते ठीक आ नहीं ते तुहाडा बदल तैयार आ इहनां चीज़ां करके तुसीं बोल भी नहीं रहे सो मेरी बेनती है कि अपना बदल ना बण दिओ मुख्यमंत्री रहो चाहे ना रहो पर तुहाडे अंदर भगत सिंह रहना ज़्यादा जरूरी आ लोक तैनूं उस रूप दे विच देखदे रहे आ और अज भी देख रहे आ एक दो गलतियां मैं अगे भी कहा सीगा माफी पर लोग हुण तुहाडी कल्ली कल्ली गल जिहड़ी नोट करन लग पे आ सो इन्हां चीज़ां दे उत्ते ध्यान दिओ सार भगवंत सिंह जी तुसीं माणयोग मुख्यमंत्री हो साडे और मुख्यमंत्री तों पहलां असीं समझदे सी कि तुसीं शहीद भगत सिंह दी सोच वाले हो जिन्नूं पंजाब दा हर बच्चा बच्चा नौजवान ते बजुर्ग मां भैण सारे प्यार करदे आ और अखीर दे विच मैं उन्हां लोकां नूं भी कहना चाहुंदा बड़े लोग मैनूं किसे वेले मिलदे ने इक हजूम दे रूप दे विच जां मैनूं मैसेज करदे ने फोन करदे ने कि तुसीं चोण क्यों नहीं लड़ी आप तों मैं उन्हां लोकां नूं दसना चाहुंदा कि यही कारण सीगा जिहड़ी मैं चोण नहीं लड़ी क्योंकि इन्हां दीआं जिहड़ीआं मनशावां ते जिहड़ीआं इच्छावां सीगीआं उन्हां नूं मैं भांप गया सीगा और गूंगा प्लेयर मैं कदी नहीं बन सकदा भावें जिंदगी च सारी उम्र कुछ बना चाहे ना बना ते अज उह राज्यसभा च इन्हां कीता तुहानूं लगदा सीगा कि MLA दी कुर्सी लई मैं चुप कर सकदा सीगा इत्थे जुत्तीओ जुत्ती मैनूं होणा पैणा सीगा और 15-20 दिनां दा जिहड़ा साथ सीगा इहो जिहे साथ मैं लभदा नहीं हम ख्याली सोच दे लभदा वां भगवंत सिंह वधिया सोच सीगी पर मैनूं लगा कि उहदे उत्ते कंट्रोल कोई दिल्लीओं चल रिहा वा सो इन्हां कारणां करके मैं इन्हां दा हिस्सा ही नहीं बणिआ किसे अहुदे दा लालच करन नालों किसी अहुदे ते जाण नालों लोकां दे दिलां दे विच जाणा मैं जिहड़ा ज़्यादा जरूरी समझदा और यह कह के अखीर दे विच मैं समाप्ति करूँगा कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते तरक्की की फसल हम भी काट लेते थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता तो यकीन मानिए मैं कब का वजीर हो जाता।